कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था। न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ क्या था, न्यूटन ने क्या क्या कहा, ग्रेविटेशन से रिलेटेड उनके क्या थ्योरीज थी, क्या लॉ थे उनके, वो सारी चीजें कल हम लोगों ने देख ली। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, वो है केपलर्स लॉ। अब हमें क्या पढ़ना है, केपलर का लॉ पढ़ना है। केपलर ने भी कुछ लॉ दिया हुआ है, भी एक साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, वैसे केपलर ने भी एक लॉ दिया, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या लॉ दिया और उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूटन ने तो सभी बॉडीज के बारे में बताया था, उन्होंने कोई बॉडी फिक्स नहीं की थी, बट केपलर का जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेटरी मोशन पर है। प्लेनेटरी मोशन का मतलब प्लेनेट के मोशन से रिलेटेड है, यानी जो केपलर ने लॉ दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लागू होता है कहां पर, प्लैनेट के मोशन पर, यानी प्लैनेट्स के ऊपर इनका लॉ बना हुआ है। इसीलिए इस लॉ को कहते हैं केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। तो हेडिंग है केपलर्स लॉ, वो भी कौन सा, केपलर्स प्लैनेटरी प्लैनेट के मोशन पर। हम ये जानते हैं ना प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होती है, सबको पता होगा। प्लैनेट्स आर द ऑर्बिटल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले जो हेवनली बॉडीज होती है उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। और सैटेलाइट्स क्या होती है, द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स, आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, इज कॉल्ड नहीं, क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत सारी हो सकती है। तो यहां पर हमने देखा केपलर ने एक लॉ दिया। केपलर की स्पेलिंग कम दिख रही है, KEPLERS, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, दिख रहा है सभी को। तो केपलर का प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, केपलर ने क्या दिया प्लेनेटरी लॉ। केपलर ने कहा जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड यानी सन के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इस साल सन जो है वो सन सॉरी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ इस ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा था, एक साल बाद वो दूसरी ऑर्बिट पकड़ लिया, यानी उसका रास्ता चेंज नहीं होगा। जो प्लेनेटरी मोशन होगा किसी भी प्लेनेट का सन के अराउंड, विच इज फिक्स्ड पाथ, यानी उसका एक फिक्स्ड पाथ होगा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगी। साथ ही साथ जो रास्ता होता है, जो मोशन होता है, यानी सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल, इलिप्स किसे बोलते हैं, इलिप्स से बना है इलिप्टिकल, जैसे सर्कल से बनता है सर्कुलर, वैसे इलिप्स से बनता है इलिप्टिकल। इलिप्स इज अ शेप, एक टाइप का शेप है, जैसे सर्कल एक टाइप का शेप होता है, वैसे इलिप्स भी एक शेप होता है, बताता हूं किस तरह का शेप होता है। तो केपलर का पहला लॉ, केपलर ने पहला लॉ क्या दिया, प्लैनेट्स प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑर्बिट। तो केपलर का फर्स्ट लॉ जो था उसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। यानी जो कोई भी प्लैनेट होगा, प्लैनेट कोई भी हो, कोई सा भी प्लैनेट हो जाए, रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, किस पाथ में घूमेगा, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इलिप्स कैसा होता है, तो बेटा इलिप्स का शेप ऐसे होता है, ये होता है इलिप्टिकल, इस शेप को कहते हैं इलिप्स।
इस शेप को कहा जाता है इलिप्स, और इस तरीके के ऑर्बिट को कहा जाएगा और इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स, ठीक है ना? समझ में आया? इसके आगे और भी लिख सकते हो, देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसे लिख लो, एंड सन इज सिचुएटेड वन ऑफ इट्स फोकस, फोकस का प्लूरल फॉर्म है फोकी, फिर आगे लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। और इलिप्स का शेप कैसा होता है? ये शेप होता है, इसके दो फोकस होते हैं, एक ये फोकस होता है, दूसरा ये फोकस होता है। तो फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी, एफ ओ सी आई। तो यहाँ पर सन या तो इस ऑर्बिट यहाँ पे इस फोकस पर होगा, या फिर सन इस फोकस पर होगा, मतलब किसी प्लेनेट के लिए इस फोकस पर हो सकता है, किसी दूसरे प्लेनेट के लिए सन इस फोकस पर हो सकता है। तो सन दो फोकस में से किसी भी एक फोकस पर हो सकता है। तो यही हमने लिखा कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लेनेट किसी भी सन कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन जो होगा वो किसी एक फोकस पर होगा, किसी भी एक फोकस पर होगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फोकस पर हो, कोई भी एक फोकस हो सकता है। मे भी समझ में आया होगा। तो ये तो केपलर का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, केपलर का सेकंड लॉ पढ़ा जाता है। चले देखिए केपलर का सेकंड लॉ क्या है, रफ कर रहे हैं इसको, नोट्स बनाते जाइएगा इसी से। केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा टफ है। अगर इसको एक बार समझ लो तो बड़ा अच्छा लगेगा, और नहीं समझ में आता है तो फिर और अच्छा लगेगा। कैसे? देखो सेकंड लॉ कहता है कि मान लीजिए ये इलिप्टिकल पाथ है, इस ऑर्बिट में एक प्लेनेट घूम रहा है, इस ऑर्बिट में एक प्लेनेट घूम रहा है अपनी मस्ती के साथ, मस्त होकर के इस ऑर्बिट में प्लेनेट घूम रहा है चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और सन कहाँ होगा? सन किसी एक फोकस पर होगा, या तो इस पर होगा, तो हम मान लेते हैं कि सन यही पर है, ये है सन, ये सन है, और ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लेनेट घूम रहा होगा सन के चारों तरफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतने में। अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेनेट इस पॉइंट तक पहुंचा, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, तो इससे जो एरिया बनेगा भाई, अगर हम इसको जोड़ दें इसको और इसको ऐड कर, तो क्या बनेगा? ये एरिया बनेगा, ये एरिया, इतने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ए से बी तक जाने में। मान लीजिए आपको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, इस प्लेनेट को कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है ए से बी तक जाने में। फिर जैसे ही पास आया होगा प्लेनेट घूम करके, अगर ए से बी तक गया होगा तो फिर वापस यहां से यहां इधर आएगा। मान लीजिए एट अ टाइम किसी पोजीशन पर वो पॉइंट सी पर था, और टी समय बाद जितना टाइम इसको लगा था ए से बी तक पहुंचने में, टी समय बाद वो यहां पर आ गया पॉइंट डी पर, टी पोजीशन के बाद, टी टाइम के बाद वो पॉइंट डी पर आ गया। अगर हम इसको कवर कर लें और इसका एरिया दिखा दें, ये एरिया दिखा, तो दो एरिया है यहां पर, एक तो एरिया हो गया, अगर हम सन को एस से मान लेते हैं, देख दो एरिया हो गया ए एस बी एंड सी एस डी। देन अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए सॉरी सी एस डी। कैप्लर का कहना था कि अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा, स्वीप करेगा, कवर करेगा। तो आप कह सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ कैप्लर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग दिस द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना टाइम ए से बी तक में लगा था उतना ही टाइम सी से डी तक में लगना चाहिए। अगर टाइम का डिफरेंस हो जाएगा तो एरिया में डिफरेंस आ जाएगा, बट अगर हम टाइम स्लॉट सेम ले रहे हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होने वाला है अकॉर्डिंग टू केपलर, और होता भी है। जब हम सूर्य के नजदीक ज्यादा पहुंचते हैं तो सूर्य की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेजी से चलता है, सॉरी प्लेनेट की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि जैसे जैसे पास में आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब दूर जाता है तो इसकी स्पीड घट जाती है, स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, और जब पास आता है तो स्पीड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप एक पत्थर ले लीजिए, रस्सी से बांध लिया उसको, उसको आपने घुमाया, रस्सी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, रस्सी जितनी ज्यादा बड़ी होगी पत्थर को एक चक्कर लगाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा अगर आपने फोर्स इक्वल लगाया है तो। अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो चाहे रस्सी छोटी कर दी जाए चाहे रस्सी बड़ी कर दी जाए, अगर आपने फोर्स इक्वल लगाया है तो अगर रस्सी बड़ी होगी तो पत्थर को ज्यादा टाइम लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में, और अगर रस्सी छोटी कर दीजिए फोर्स उतना ही लगाइए जितना आप पहले लगा रहे थे, तो आप महसूस करेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी टाइम है वो ज्यादा तेज हो गया, यानी टाइम घूमने का टाइम ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि पत्थर की स्पीड बढ़ गई, और जब दूर रहेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये भी वर्क करता है, फोर्स अभी भी उतना ही है, यानी यहाँ से ये सन क्या लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, अगर दूर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है जिस वजह से स्पीड कम हो जाती है, और यहाँ पर जब पास आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही है बट यहाँ पर डिस्टेंस कम होने के कारण से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? द स्ट्रेट लाइन joining sun to the planet sweeps, आप covers भी लिख सकते हो, sweeps equal area in equal interval of Time. आप इसको डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ ना में जवाब। तो भाई क्या है, पता चल गया प्लेनेटरी कैपलर्स का प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा। इसको क्या बोलते हैं? इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। जैसे पहले वाले लॉ को बोले थे लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ एरिया कह सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ना समझ में आए तो फिर अब दोबारा भी बता सकते हैं, लेकिन अब कोशिश करो कि समझ में आ जाए। ये रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगी, अगर आपको दिक्कत होगी समझने में, नहीं समझ में आएगा तो आप यूट्यूब पर जाकर के उसको देख भी सकते हो, दोबारा चेक कर सकते हो, दो तीन बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने किस तरह से समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड लॉ थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के कंपैरिजन में थर्ड लॉ थोड़ा सा इजी है।
थोड़ा सा नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। इलिप्स आपको देखने को मिला, आपको फोकस देखने को मिल गया, इलिप्स के दो फोकस होते हैं आपने जान लिया। अब देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको रफ कर दें और आपको बताते हैं थर्ड। तो भाई अब इलिप्स में दो चीजें आपको और सीखना है, इलिप्स के अंदर आपको दो चीजें और जाननी है। तो थर्ड लॉ इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। यानी न्यूटन की सॉरी कैप्लर के थर्ड तीन लॉ हो गए प्लेनेटरी मोशन पर। पहले लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरे लॉ को लॉ ऑफ एरिया, तीसरे लॉ को लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये कहा जाता है। तो मान लीजिए ये इलिप्स है, ये है इलिप्स, ऑर्बिट है। अगर इलिप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इलिप्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दो तरीके से इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। या तो हम इसको ऐसे काट दें या तो हम इसको ऐसे काट दें। भाई दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करने का मतलब या तो आप इसको ऐसे कट कर दीजिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर आप इसको ऐसे कट कर दीजिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एलिप्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, विच इज नोन एज मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकली डिवाइड करती है, इसको वर्टिकली हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यहां से यहां तक की लेंथ को कहा जाता है माइनर एक्सिस। यानी अगर हम देखें तो एलिप्स में होते हैं दो एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसकी लेंथ को 2a लिखते हैं, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ को लेते हैं 2b। तो हमें माइनर एक्सिस से मतलब नहीं है, हमें मेजर एक्सिस का यूज है। यानी थर्ड लॉ जो प्लेनेटरी मोशन का थर्ड लॉ है कैप्लर ने दिया था, उसमें हमें मेजर एक्सिस का काम होगा। तो हमने मेजर एक्सिस समझ लिया। मेजर एक्सिस होता क्या है, जो एलिप्स को हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसकी लेंथ को मेजर एक्सिस कहा जाता है। और जो वर्टिकली एलिप्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो लाइन माइनर एक्सिस कहलाती है, उसकी लेंथ होती है 2b। रफ कर दें, इतना समझ में आ गया। तो थर्ड लॉ के स्टेटमेंट की बात करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा किसको मेजर एक्सिस कहते हैं किसको माइनर एक्सिस कहते हैं। चलिए रफ करते हैं और स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसके अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिवोल्यूशनरी, स्पेलिंग में भूल रहा हूं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड अराउंड द सन ऑफ अ प्लेनेट, अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi-major axis to the cube of semi-major axis of the
इलिप्टिकल पाथ ऑफ दैट प्लेनेट। अभी कम समझ में आया होगा, अब मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये इलिप्टिकल पाथ है, इसमें एक प्लेनेट है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये इसका मेजर एक्सिस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो मेजर एक्सिस का आधा, यानी इसको कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, इसकी डिस्टेंस अगर मेजर एक्सिस की डिस्टेंस 2a है, तो सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी। चलिए, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, यानी किसी भी प्लेनेट का सन के चारों तरफ घूमने का टाइम, जैसे हमारी अर्थ का है कितना दिन लगता है, 365 डेज लगते हैं। तो आप एक चक्कर लगाने में, सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको कहा जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मान लीजिए कि टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी लगता है, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, जिसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, और सेमी मेजर एक्सिस कितना होता है, a, इट मींस t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। आप इसको लिख सकते हो t स्क्वायर इज इक्वल टू k a क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, t स्क्वायर इज इक्वल टू k a क्यूब। क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ मोशन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पाथ ऑफ दैट प्लेनेट। उस प्लेनेट का जो इलेक्ट्रिकल पाथ होगा उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या, टाइम स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर। समझ में आया, ये है न्यूटन क्या प्लेनेटरी मोशन लॉ, जो तीन लॉ हमें पढ़ने थे कैपलर्स के प्लेनेटरी लॉ के। समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हो, या फिर आप दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही था, आज मुझे यही पढ़ाना था कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन, पढ़ाना तो और भी कुछ था बट टाइम की बाउंडेशन और प्लस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम का कोलैप्स हुआ, जिस वजह से हम लोग आज की क्लास छोटी रख पाएंगे। नहीं तो मुझे ये पढ़ाना था कि न्यूटन का जो लॉ है वो कैपलर्स लॉ से कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ाना था। न्यूटन का जो लॉ है, तीन लॉ हमने न्यूटन के पढ़े हुए हैं और तीन लॉ कैपलर्स के पढ़े हुए हैं, इन तीनों लॉ में क्या रिलेशन है, इन तीनों लॉज के क्या रिलेशन है, इन्हीं रिलेशन को हमें पढ़ना था। बट फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ और कैपलर लॉ में रिलेशन जो है, या न्यूटन के जो थर्ड लॉ, थ्री लॉज ऑफ मोशन है जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे, उनका क्या रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना था आपको। बट वो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चले फिर आगे बढ़े, आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे।